वेलकम टू जीवन ज्योति क्लासेस और मैं हूं विकेश कुमार। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं डीपीपी 1। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज कोशेंट एंड 21 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। एक नंबर है जिसको 53 से डिवाइड करते हैं तो 34 कोशेंट आता है, 21 रिमाइंडर आता है, तो वो नंबर बताना है। तो जिसमें हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, जितना टाइम में डिवाइड करते हैं कोशेंट। और जो हमारे पास बच गया वो हो गया रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो हमें डिविडेंड फाइंड करना है, ओके। तो डिवाइजर क्या है, 53 से डिवाइड कर रहे हैं। कोशेंट क्या है, 34 प्लस रिमाइंडर 21। मल्टीप्लाई करेंगे, आप बगल में कर सकते हैं 50। मेरे पास टोटल रिजल्ट आया 182 प्लस 21 यानी कि 1823। तो 1823 को 53 से डिवाइड करते हैं, 34 टाइम्स में 21 रिमाइंडर आएगा, ओके। समझ में आई बातें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, इन इक्विलेट डिविजन्स लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर लेस देन बी एंड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, व्हाट इज ए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर बी से डिवाइड करते हैं क्यू टाइम्स में और जो रिमाइंडर बचेगा वो जीरो या जीरो बचेगा या जीरो से बड़ा होगा लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। तो रिजल्ट में क्या बोल रहा है कि ए क्या है, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो लिख सकते हैं ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाई टू, ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ओके। कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तो वो हमेशा ही इवन होता है, यस, ठीक। पूछ रहा रीजन, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर एनी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर तो बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिवाइडेड बाई टू, इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। तो आंसर होगा ट्रू। क्यों होगा, चलिए देखते हैं, रीजन भी देना है। तो कोई भी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स अगर है तो एक तो इवन होगा दूसरा ऑड होगा। अगर ऑड से शुरू करेंगे ऑड और एक दूसरा इवन, अगर पहले इवन आ तो दूसरा ऑड होगा। तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स ऑड एंड इवन, क्लियर है बात। एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर one odd and one even, क्लियर है। तो एक odd होगा एक even होगा।
तो ऑड इवन, ऑड इनटू इवन, अगर दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा इवन होता है, ठीक है, हमेशा क्या आएगा, और इवन नंबर वही होता है जो टू से डिविजिबल हो। तो ये पॉसिबल है कि हमेशा ही अगर दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है तो वो टू से डिविजिबल होगा, उसका अगर प्रोडक्ट है तो वो टू से डिविजिबल होगा। किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा ही दो से डिविजिबल होगा, क्योंकि एक इवन होगा दूसरा ऑड होगा, और ऑड इवन का जो हम प्रोडक्ट करते हैं वो हमेशा ही इवन होता है, और इवन नंबर टू से डिविजिबल होता है। सो आंसर होगा यस। नेक्स्ट आते हैं कि सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर्स q। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा या तो 3q के फॉर्म में होगा या 3q1 के फॉर्म में होगा या 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा, ठीक है। पहले भी हम बता चुके हैं लेक्चर के समय कि सॉल्व कैसे कर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट्स टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाई बी, इसको टू थ्री। अगर बी का वैल्यू 3 लेते हैं तो आर का वैल्यू क्या होगा, बी से तो छोटा होगा लेकिन 0 से तो बड़ा होगा। अब आर बी का वैल्यू 3 है तो आर इक्वल टू हो सकता है 0, 1, 2, ठीक है। तो अगर केस 1 देखते हैं, केस 1 में क्या देखेंगे, इफ आर इक्वल टू 0, अगर आर का वैल्यू 0 रहा तो, अगर आर का वैल्यू 0 रहा तो ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर, इक्वलर डिविजन लेमा। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पे बी तो 3 है क्यू और आर 0 है यानी 3 क्यू। अगर केस 2 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, केस 2 क्या होगा कि इफ आर इक्वल टू 1, अगर आर का वैल्यू 1 लेंगे तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सेम थिंग है ना, इक्वलर डिविजन लेमा ले लिए। तो हमारे पास ये भी पता है 3q प्लस 1। सिमिलरली अगर केस 3 लेते हैं तो, क्लियर पॉइंट है, आर का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, और 2 में भी सेम केस लगाएंगे, ए इक्वल टू 3q प्लस 2 यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी का वैल्यू 3q q r = 2, है कि नहीं। तो हमें पूछा है कि ये होगा तो प्रूव हो गया, यही होगा, देख सकते हैं आप। क्लियर है पॉइंट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर फॉर्म लेंगे 3q, 3q + 1, 3q + 2 के फॉर्म में ही आएगा। पहले भी हम सॉल्व कर सकते हैं, किए हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट वेदर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी फॉर्म ऑफ 4q + 2, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी फॉर्म ऑफ 4q + 2 वेयर q इज एन इंटीजर, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं सेम चीज, लेट्स टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इक्वल टू, यहां पर ले लेते हैं 4, क्या लेंगे, बी इक्वल टू 4। अगर बी इक्वल टू 4 लेते हैं तो R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्योंकि R तो B से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर, तो R का वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3 एंड 0, 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता है। तो
तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स लेने के लिए बोला है। अगर केस वन देखते हैं, केस वन, ठीक है, तो केस वन इफ आर इज इक्वल टू, हमने रखा जीरो सबसे पहली पॉइंट, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वलेट डिविजन लेमा, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है, फोर, फोर क्यू प्लस आर यानी जीरो, फोर क्यू आ गया, ए इज इक्वल टू फोर क्यू, क्लियर है पॉइंट। चलिए यहां देख लेते हैं, अगर केस टू में इफ आर इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो सबसे पहला तो यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है, बोल रहा है फोर क्यू प्लस टू के फोर में आना चाहिए, जब भी आना चाहिए फोर क्यू प्लस टू के फोर में आना चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, ओके। तो इसका और भी कारण हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका और भी कारण क्या हो सकता है, क्योंकि जब भी ए की वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, अपने पास फोर क्यू प्लस वन आ गया। अगर आगे केस लेते हैं सपोज थे, तो अब सॉल्व करने की तो ऐसे जरूरत नहीं है, फोर क्यू प्लस टू आएगा, अब फोर क्यू प्लस थ्री आएगा, आएगा है ना, तो ये सारी कंडीशन हमारे पास आ रहे, ठीक है, तो हमें इसलिए बोल रहा है कि फोर क्यू प्लस टू आना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, नो, आंसर होगा नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फॉर्म आ गए, फोर क्यू प्लस वन, फोर क्यू प्लस टू, फोर क्यू प्लस थ्री, ठीक है, जबकि ये बोल रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी ऑफ फॉर्म फोर क्यू प्लस टू, क्योंकि फोर क्यू प्लस टू सिर्फ ही बोला है और कोई फॉर्म नहीं बोला है, तो इतने सारे फॉर्म आ गए, सो नहीं हो सकते, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एट एम प्लस वन, किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर जो है एट एम प्लस वन के फॉर्म में होगा, ठीक है, देखते हैं ये शो करना है, एम इज होल नंबर, कोई भी एम कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो शुरुआत करें यहां से, चलिए मान लेते हैं लेट्स टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है, बी का वैल्यू टू ले लो, अगर ऑड इंटीजर्स की बात कर रहा है, ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स का फॉर्म होता क्या है, किसी भी नंबर में अगर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, इवन, और इवन नंबर में वन ऐड कर दो तो ये हो जाएगा ऑड, तो ये हो गया ऑड, क्लियर, तो ऑड इंटीजर से फिर ये ले लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बहुत इससे ज्यादा प्रूफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे बी का वैल्यू आप ज्यादा ले सकते हैं, फोर ले सकते हैं, ठीक है, फोर लेंगे तो हमारे पास फोर केसेस बनेंगे, जिसमें से ऑड का केसेस दो, ठीक है, और इवन का केसेस दो हो जाएगा, तो आप ऑड वाला निकाल कर उसके स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ मैं बस शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ क्योंकि प्रूफ करना है मेरे को, ठीक है, तो यहाँ पे ऑड इंटीजर्स ये आया, एक इज इक्वल टू क्या आया, ए इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन, ये आ गया, ये एक ऑड इंटीजर्स है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, फोर क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर क्यू, क्लियर है, यहां पे आते हैं फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन, इसको सेपरेट कर लिया, यहाँ एट एम के फॉर्म में लाना है तो एट हम कॉमन ले लिए, तो ये आएगा वन बाई टू क्यू स्क्वायर
क्यू बाई टू, ये हो गया 1। यहाँ पर अगर एट एम के फॉर्म में लाना है तो एम का वैल्यू हमारे पास आया 1 बाई टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बाई टू, ये एम का वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया एट एम प्लस 1 के फॉर्म में जनरल तौर पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अकवर्ड लग रहा है, अगर आप चाहे तो दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, चले दूसरी तरह से देख लेते हैं। मान लीजिए वापस आते हैं, सेम चीज लिखेंगे, लेट्स टू बी 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। अब बी का वैल्यू अपन यहां ले लेते हैं 4। जैसे ही बी का वैल्यू 4 लिए तो हमारे पास बी आर का वैल्यू क्या होगा, आर बी से तो छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, यानी आर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि बी से तो छोटा होगा। तो यहाँ पे 4 केसेस बने। केस 1 क्या बना बाबू, ए इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू 4 क्यू प्लस 0 यानी 4 क्यू, क्लियर है। केस 2 ठीक है, 4 क्यू प्लस 1। केस 3 4 क्यू प्लस 2 एंड केस 4 4 क्यू प्लस 3। तो यहां 4 केसेस आ गए, जिसमें ये 2 से डिविजिबल है, देख सकते हैं। ठीक है, और ये 2 से डिविजिबल है। ओके, तो जो 2 से डिविजिबल हो गया वो तो हो गया इवन, तो ये भी हो गया इवन और ये भी हो गया इवन। ऑड क्या बचा, 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3। तो हम इनकी बात करेंगे, ए इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 की। सबसे पहले तो ए इक्वल टू 4 क्यू प्लस 1 की जब हम बात कर ही रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो स्क्वायर करो, हमें स्क्वायर के बारे में बोला है, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 16 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8 क्यू। हमें 8 क्यू 8 कॉमन लेना है, तो ये हो गया 2 क्यू स्क्वायर और यहाँ पर क्यू और ये हो गया 1 बाहर। अगर इसकी वैल्यू हम m मान लेते हैं तो हमारा 8m प्लस 1 का फॉर्म आ गया। ठीक है, जिसमें m का वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, क्लियर है पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, चलिए थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है a इज इक्वल टू 4 क्यू प्लस 3। ओके, अगर हम इसके स्क्वायर लिए ए स्क्वायर इक्वल टू, तो 4 क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, 16 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 ठीक है प्लस 24 क्यूब। अगर 8 कॉमन लेते हैं, अगर 8 कॉमन लेने से पहले हमें 8 के फॉर्म में लाना है तो 9 को 8 ले छोटा होना चाहिए, ठीक है, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 24 क्यू 8 प्लस 1, हम क्या लिखे 8 प्लस 1 ठीक है। अगर यहाँ पे 8 कॉमन लिए तो आ गया 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 ठीक है, सिर्फ इसमें से नहीं ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास m है। तो क्या आएगा रिजल्ट, 8m प्लस 1। लेकिन m का वैल्यू क्या है, अगर देखा जाए तो m का वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 ठीक है। तो ये प्रूव हो गया
कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 8m+1 के फॉर्म में होगा, बशर्ते स्क्वायर जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहाँ से होता है। अगर देखा जाए तो 1 को छोड़ के सबसे पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर 3 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, ओके 9 में 8 से डिवाइड करो 1 टाइम्स है कि रिमाइंडर भी 1 बच गया, तो 8m+1 हो गया, 9 के बाद 25। आप चेक कर सकते हैं, स्क्वायर कीजिए 8 से डिवाइड कीजिए क्या इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, आप देखेंगे कि सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज द फॉर्म ऑफ 5q, 5q+1 एंड 5q+4 फॉर सम इंटीजर्स q। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर है हमेशा इस फॉर्म में होगा। चलिए देखते हैं, लेट्स टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एंड बी इज इक्वल टू 5, तो आर का जो वैल्यू आएगा, हमें पता है कि आर लेस देन बी एंड इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी आर का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, 5 केसेस बनेंगे, ठीक है, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले केस 1 पे चलते हैं। केस 1, इफ आर इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिविजन्स लेमा, अपन ले लिए, ए का वैल्यू क्या होगा 5q, क्यू की जगह अपन ले लेते हैं कुछ और m, क्योंकि क्यू के फॉर्म में प्रूफ करना है इसलिए हमने यहाँ m ले लिया, तो ए इज इक्वल टू 5m। उसी तरह अगर केस 2, 3, 4, 5 देखा जाए तो क्या क्या आएगा हमारे पास, a का जो वैल्यू है 5m, 5m+1, 5m+2, 5m+3 एंड 5m+4। तो ये हमारे पास 5 केसेस है। तो वो रहे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इसी फॉर्म में आएगा। तो सपोज करते हैं फर्स्ट केस 1 में ए स्क्वायर इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर, तो क्या आया 25m2। अगर इसमें से 5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 5m2, क्लियर है। अगर इसको हम q मान लेते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा 5q, लेकिन यहाँ पे q है क्या, वेयर q इक्वल टू 5m2, तो q तो कुछ भी हो सकता है ना, पहला तो प्रूव हो गया। उसी तरह ए स्क्वायर यानी 5m+1 का होल स्क्वायर, क्लियर है पॉइंट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10m, अगर इसमें से 5 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से 5m आ गया, यहां ले हो गया सॉरी 5m2, यहां पे 2m बचा 1। अगर इसकी वैल्यू हम q लेते हैं तो क्या होगा 5q+1, लेकिन यहाँ पे q की जो वैल्यू है वेयर q इज इक्वल टू क्या आया है 5m2+2m, ठीक है। उसी तरह इधर भी देख लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इस बार लेंगे 5m+2 का होल स्क्वायर, इसको चेक कर लो तो क्या आएगा 25m2+4+20m, 5 कॉमन लेंगे 5m2+4m+4, क्लियर है। अगर इसकी वैल्यू q लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5q+4, ठीक है, q इज इक्वल टू 5m2+4m, ठीक है।
उसी तरह नेक्स्ट आते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, 25m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30m। ठीक है, ये तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो 5 से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हम इसको ब्रेक कर दे रहे हैं। 25m स्क्वायर प्लस 30m, तो इसको लिख देते हैं 5 प्लस 4। इसमें से 5 कॉमन लिया जा सकता है, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 प्लस 4। अगर इसकी वैल्यू q मान लेते हैं तो हमारे पास आएगा 5q प्लस 4। क्लियर है? वेयर q का वैल्यू है क्या, q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4 सॉरी प्लस 4। क्लियर है? उसी तरह आप नेक्स्ट आ जाते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5m प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारे पास आया 25m स्क्वायर प्लस 16, ठीक है, प्लस 40m। इसको भी वापस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25m स्क्वायर प्लस 40m, और 16 को अपने ब्रेक कर दिए 15 प्लस 1, 5 कॉमन लीजिए, 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3 प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू q रखेंगे तो 5q प्लस 1 का फॉर्म आएगा, लेकिन यहाँ पर q है क्या, वेयर q इज इक्वल टू 5m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3। क्लियर है बात? तो यहाँ पे q का वैल्यू ये आया। तो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर उसको स्क्वायर किए तो या तो 5m के फॉर्म में आया, शुरुआती में किसके फॉर्म में आया, 5m के फॉर्म में आया, सॉरी 5q के फॉर्म में आया। क्लियर है? 5q के फॉर्म में आया, दूसरा 5q प्लस 1 के फॉर्म में आया, तीसरा 5q प्लस 4 के फॉर्म में आया, फिर 5q प्लस 4 के फॉर्म में आया, 5q प्लस 1 के फॉर्म में आया। इससे प्रूव होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर स्क्वायर करेंगे या तो 5q के फॉर्म में आएगा या 5q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या 5q प्लस 4 के फॉर्म में आएगा, 5q प्लस 2 5q प्लस 3 के फॉर्म में नहीं आएगा। यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन प्लस टू और एन प्लस फोर इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, ये हमारे पास थ्री नंबर है, उसमें से थ्री सिर्फ एक जो है थ्री से डिविजिबल हो रहा है, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। तो चलते हैं देखते हैं, मान सकते हैं लेट्स टू बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एन डिविजिबल बाय, वहां पर दिया है थ्री। ओके, एन डिविजिबल बाय थ्री, तो यहां पे अगर b का वैल्यू देखा जाए तो b इक्वल टू जिसे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर हो गया, उसी n को 3 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसा मान लेते हैं। तो यहां पे r का वैल्यू जो है b से तो छोटा होगा, तो r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 1 2। क्लियर है? और n का वैल्यू क्या होगा, n तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो n हमारे पास हो सकता है बी क्यू प्लस आर। इक्वलेट डिविजन लेमा तो यही कहता है कि नहीं, तो 3q प्लस आर, और आर का वैल्यू हमारे पास 0 1 2 है। ठीक है, तो एन का वैल्यू जो है एन इज इक्वल टू या तो 3q होगा या तो 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा, तीन केस होंगे। ठीक है, तो इसमें से 3 से डिविजिबल होने वाला कौन है, एन का वैल्यू ये है 3q, 3q इज डिविजिबल बाय 3।
ठीक है, इसमें आ गया। अब आते हैं हमारे पास एन प्लस टू, एन प्लस टू। अगर एन प्लस टू की बात करते हैं तो एन का तो वैल्यू ये है, तो एन प्लस टू का वैल्यू थ्री क्यूब प्लस टू, ठीक है, थ्री क्यूब प्लस थ्री, थ्री क्यूब प्लस फोर, टू टू बढ़ा दिए। इसमें इस थ्री से डिविजिबल होने वाला कौन है, ये है ना, तो बोल सकते हैं कि थ्री क्यू प्लस थ्री इज डिविजिबल बाई थ्री, ओके। एंड द नेक्स्ट वन एन प्लस फोर, तो एन प्लस फोर का वैल्यू क्या होगा, थ्री क्यू प्लस फोर, थ्री क्यू प्लस फाइव एंड थ्री क्यू प्लस सिक्स, ठीक है। इसमें थ्री से डिविजिबल होने वाला ये है, थ्री कॉमन ले लो, आ गया। तो थ्री क्यू प्लस सिक्स इज डिविजिबल बाई थ्री, क्लियर है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि सारे कंडीशन में कम से कम सिर्फ सॉरी ओनली सिर्फ एक की जो है थ्री से डिविजिबल होना चाहिए। इस फॉर्म में ये डिविजिबल हुआ, ठीक है, सेकेंड वाला में ये डिविजिबल हुआ एन प्लस टू में, और एन प्लस फोर में ये डिविजिबल हो गया। सिर्फ एक डिविजिबल हो रहे हैं सारे केस में, यही हमें शो करना था, हेंस प्रूफ हमने शो कर दिया, है कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कौन बड़ा है, 870 इज ग्रेटर देन 225, ओके, यानी ए इज इक्वल टू 870 एंड बी इज इक्वल टू 225। तो डिवाइड करते हैं 225 870 एंड 3 टाइम्स कितना है 675, रिमाइंडर आ गया आपके पास 95। तो स्टेप वन इसको लिख सकते हैं कि स्टेप वन क्या है हमारे पास, कि ए यानी 870 इज इक्वल टू बी यानी 225, क्वेश्चन था हमारे पास 3 आया, रिमाइंडर 95। आर का वैल्यू अगर 0 नहीं होता है तो वापस हम स्टेप लगाएंगे, स्टेप टू क्या करेंगे, जो हमने बताया है कि रिमाइंडर जो होता है उसे डिवाइड करते हैं डिवाइजर को, ठीक है, यानी कि स्टेप टू में ए जो है वो हमारे पास 225 है और बी जो है जो हमारे पास रिमाइंडर था, क्लियर। तो इसको डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स 19053, क्लियर है। तो हमारे पास स्टेप टू क्या बोल रहा है, तो 225 इज इक्वल टू 95 इंटू 2 प्लस 35, क्लियर है। यहां पर भी आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ, आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो वापस वही सेम प्रोसेस 95, ठीक है, 2 टाइम्स 70 25, क्लियर है। तो स्टेप थर्ड में वापस जाते हैं, क्लियर है। तो ए का वैल्यू यहां पे क्या है हमारे पास 95, बी का वैल्यू 35, क्वेश्चन टू रिमाइंडर 25, ठीक है। आर डज नॉट इक्वल टू 0, वापस आर का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, यहां स्पेस नहीं है तो थोड़ा ऊपर कर लेते अपन, ठीक है, ध्यान दो, आर का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, आर डज नॉट इक्वल टू 0, तो जब तक डिवाइड देते रहेंगे आर का वैल्यू 0 नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो यहां पे स्टेप 4 क्या बोलता है, ठीक है, 35 इज इक्वल टू 25 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। अब वापस डिवाइड करते हैं 25 को, 2 टाइम्स 20, रिमाइंडर क्या है, बस। तो आर डज नॉट इक्वल टू 0 थे,
फिलहाल स्टेप 5 में चलते हैं। थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे स्टेप 5 में चलते हैं कि स्टेप 5 क्या बोलता है कि 25 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। यहां पर भी r का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो वापस डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स में 10, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप 6। क्या बोल रहा है, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। तो हम डिवाइड किससे किए, फाइव से, तो 5 ही HCF होगा। HCF कौन होगा, 5, जिससे वो पूरी तरह से डिविजिबल हो गया वो HCF हो गया। तो लिखेंगे HCF ऑफ, या ऐसे लिखिए 5 इज HCF ऑफ, जो हमारे पास नंबर था उसको लिख लो, देख लो कि एक नंबर क्या था, 870 एंड 225, ठीक है, यही नंबर था 870 एंड 225। तो चलिए देख लेते हैं 870 एंड 225, ओके। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 5, तो 5 रिमाइंडर आ गया। ये इस तरह से रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 504 लीटर एंड 735 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विथ कैन द मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है कि एग्जैक्टली निकालना है, यानी कि जो कॉमन फैक्टर जो होता है वो मैक्सिमम निकालना होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF, ठीक है। इसका कहना है कि दो टैंक है, एक है 504 लीटर का, एक है 735 लीटर का। इस तरह से उस टैंक में से ऐसे कंटेनर का यूज करना है कि उसमें से मिल्क जब निकाले जितनी निकल जाए, एक छोटा सा कम ज्यादा ना हो, ठीक है। इतना अमाउंट का हम लेंगे, उसका क्या कंटेनर की कैपेसिटी हम इतने अमाउंट का लेंगे कि दोनों एकदम एग्जैक्टली निकले। जब लास्ट निकले तो उसमें ना थोड़ा कम बचा हो ना ज्यादा बचा हो, इस तरह तभी पॉसिबल है जब दोनों का कॉमन एक ही हो, ठीक है। ऐसे भी जनरली किसी भी नंबर का कॉमन 1 होता है, तो 1 तो सबके लिए आंसर है, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन पूछ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन के लिए आप HCF निकाल लेंगे दोनों को। तो HCF किसी तरह से भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि A इज इक्वल टू 504 एंड B इज इक्वल टू 735। तो हमें पता है कि 735, इसमें से बड़ा कौन है, 735 इज ग्रेटर देन 504, तो जो बड़ा रहेगा वो हो गया A और जो छोटा रहेगा वो हो गया B। चलते हैं डिवाइड करते हैं 504, ठीक है, 735, 1 टाइम्स 504 इज इक्वल टू 231, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 735 इज इक्वल टू स्टेप 1, स्टेप भी लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो 504 इंटू 1 प्लस 231, क्लियर है। वापस डिवाइड करते हैं, अगर r का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो 231 डिवाइडेड 504, ठीक है, 4, 6, 2, 4, क्लियर है। तो यहाँ पे वापस रिमाइंडर नहीं आया, तो स्टेप 2 में लिख लेते हैं। स्टेप 2 क्या है,
कि 504 इज इक्वल टू 231 इंटू 2 प्लस 42, ठीक है, 42 231, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं अपन। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, ये हो गया 21। तो स्टेप 4 लिखेंगे, इफ आर इज डज नॉट, सॉरी स्टेप 3 लिखेंगे, आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ तो क्या है, 231 इक्वल टू 42 इंटू 5 प्लस 21, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वापस आ गया, 21 इज डिविजिबल बाई 42, 2 टाइम्स 42, इस बार रिमाइंडर 0 हो गया, हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, r इज इक्वल टू 21, तो रिमाइंडर यहाँ 21 है तो फिर से डिवाइड किए, ओके। तो इस वाले में हमें पता है कि है क्या हमारे पास, स्टेप 4 लिख लो, ओह सॉरी, ठीक है, स्टेप फोर यहाँ पे जो है 42, ये हो क्या रहा है, फोर्टी टू इक्वल टू 21 इंटू 2 प्लस 0, इफ आर इक्वल टू 0 एंड एसी 20 किससे डिविजिबल हुआ है, 21 से, तो 21 इज एसीएफ ऑफ, ठीक है, कितना है उसको देख लेते हैं, 231 एंड 504, ठीक है, कितना आया, 231 एंड 504, ये जो है कैपेसिटी है। इस 21 लीटर का अगर हम कंटेनर यूज करते हैं तो दोनों से एग्जैक्टली आ जाएंगे। चलो ट्राई कर लो, क्योंकि ये आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें सबसे मैक्सिमम कॉमन यही आ सकता है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में निकलेगा, 1 आ गया, यानी 21 टाइम्स में ये पूरी तरह से निकल जाएगा दूध, 21 लीटर के हम लेंगे तो ना थोड़ा कम होगा ना थोड़ा ज्यादा होगा। अब इसको देख लेते हैं, है ना, क्लियर हो गई पॉइंट। तो यहां पे स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, सॉरी ये 11 टाइम्स में वो पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है, यानी 11 बार में वो निकल जाएगा, ये 24 टाइम्स लेगा, लेकिन थोड़ा सा भी कम ज्यादा नहीं होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हमें आंसर देना है। तो अपन लिख सकते हैं क्या, देखिए अपन लिख सकते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए 21 लीटर इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है, जो भी है, आंसर आपके आपके पास 21 लीटर, क्लियर है।